Hey guys, what's up guys? कैसे हो आप सब? Hope you all fine. मैं नाम है शुभजीत. आप देख रहे हैं शुभ गेमर. तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं. तो दोस्तों आज के वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि PUBG मोबाइल के अंदर एक न्यू मोड आने वाला है, वो है स्टोरी मोड. अब ये स्टोरी मोड क्यों लाया जा रहा है एंड ये मोड कैसे वर्क करेगा, इन सब के ऊपर आज का वीडियो है. तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहली बार सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए, क्योंकि मैं ऐसे पबजी के रिलेटेड वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ. आज का जो वीडियो का लाइक है वो रखते हैं 15. तो चट से कर देना, पट से कर देना दोस्तों. तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं. तो दोस्तों ग्लेन स्कोफील्ड फाउंडर ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2, फिर एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेड स्पेस एक गेम है, उसका एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब एक्स वाइस प्रेसिडेंट है. तो वो PUBG मोबाइल का गेम डेवलपमेंट स्टूडियो का CEO बन चुके हैं. ठीक है, आप उनका जो ट्वीट है वो देख सकते हो. वो PUBG मोबाइल का गेम डेवलपमेंट स्टूडियो जो है उसका CEO बन चुके हैं. ठीक है, तो ग्लेन स्कोफील्ड CEO बनने के बाद उन्होंने कहा है कि PUBG मोबाइल के अंदर एक न्यू मोड आने वाला है. ठीक है, न्यू मोड, जिस मोड को हम बोलेंगे कि स्टोरी मोड. अब ये मोड कैसा टाइप का होगा एंड इसको क्यों लाया जा रहा है उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं. तो ग्लेन स्कोफील्ड गेम डेवलपमेंट स्टूडियो के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि वो अब गेम को थोड़ा मॉडिफाई अगर करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि वो गेम डेवलपमेंट के ऊपर ही अब काम करेंगे. तो काम ऑलरेडी चालू हो चुका है स्टोरी मोड के ऊपर. तो दोस्तों बात कर लेते हैं आप ये स्टोरी मोड PUBG मोबाइल के अंदर क्यों लाया जा रहा है, मतलब ऐसा अपडेट क्यों आने वाला है. तो ग्लेन स्कोफील्ड का कहना है कि PUBG मोबाइल का जो गेम का जो स्टैटिस्टिक्स होता है कि कितने लोग खेल रहे हैं, तो उनका जो स्टैटिस्टिक्स है तो लास्ट वन ईयर पर उन्होंने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है खेलना छोड़ चुके हैं. हाँ, जुड़ रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स खेलना स्टार्ट किए हैं, लेकिन बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर थे वो खेलना छोड़ चुके हैं और कुछ कुछ प्लेयर्स जो है वो छोड़ने वाले हैं. अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गेम अगर एक ही टाइप का होगा, सिर्फ एक ही टाइप का होगा, तो खेल क्या बोरिंग टाइप का हो जाएगा, मतलब जस्ट जाओ मारो गोली करो एंड विनर विनर चिकन डिनर, तो एक ही टाइप का हो जाएगा. तो अगर न्यू मोड लाया जाए गेम के अंदर तो फिर गेम थोड़ा और भी अलग हो जाएगा. तो इसीलिए उन्होंने स्टोरी मोड डालने के बारे में बात किया है. ठीक है, अब ये स्टोरी मोड कैसा टाइप का होगा वो बता देता हूँ कि GTA गेम तो आप सब लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल ने खेला ही होगा. ये बहुत ही पॉपुलर गेम है, ये तो बहुत ही पॉपुलर गेम है, तो इसीलिए ये गेम शायद आप लोगों ने खेला होगा, 90% लोगों ने खेला ही होगा एंड 10% लोगों ने नहीं खेला होगा अभी तो सुना होगा. ठीक है, तो ये गेम जो जो लोगों ने खेला है तो वो जानते ही है, और जिन लोगों ने नहीं खेला है वो एक बार सुन लो कि वो एक स्टोरी बेस्ड गेम होता है, जहाँ पर आपको स्टोरी दिखाया जाता है, फिर आपको बोला जाता है कि गेम को, मतलब आपको क्या मिशन दिया जा रहा है, उस मिशन का अगर कंप्लीट करोगे तो आपका अचीवमेंट आगे बढ़ेगा, मतलब ऐसे टाइप के स्टोरी मोड आगे रहता है GTA के अंदर. तो वैसा टाइप का यहाँ भी स्टोरी मोड डालने के बारे में सोच रहे हैं ग्लेन स्कोफील्ड ने. ठीक है, तो अगर ये स्टोरी मोड PUBG मोबाइल के अंदर आएगा तो गेम थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि गेम अभी जो है ना TDM है वो भी फाइटिंग जैसा ही है, मतलब कोई मिशन विशन आपको कुछ नहीं करना पड़ा है, ये टोटल बैटल रॉयल का जैसा ही है. तो ठीक है, तो स्टोरी मोड अगर थोड़ा अलग होगा PUBG मोबाइल के अंदर तो हो सकता है गेम और भी पॉपुलर हो जाए. तो इसीलिए ग्लेन स्कोफील्ड ने ये डिसाइड किया है कि स्टोरी मोड डालने के बारे में, जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कुछ वीडियो क्लिप्स, जैसे कि आपको ये मिशन दिया जा रहा है, ये करो, फिर आपका अचीवमेंट आगे बढ़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा, तो GTA की तरह मतलब ये वर्क करेगा. ठीक है, मतलब GTA के तरह ये स्टोरी मोड वर्क करेगा. एंड उसके साथ आप लोगों ने देखा है कि PUBG मोबाइल के अंदर बहुत ही बग ग्लिचेस बहुत सारे हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वो काम करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जितना हो सके वो जल्दी काम करेंगे इनके ऊपर. उन्होंने बोला है कि 50% तक वो सॉल्व कर देंगे, जितना जल्द हो सके 50% तक वो सॉल्व कर देंगे, एंड जो बाकी के 50% आएंगे वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो बग फिक्सिंग ग्लीचेस सब वो कर देंगे. ठीक है, फिक्स कर देंगे नेक्स्ट जो अपडेट्स आएंगे उसके अंदर. यही था वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट.